वेखा कोई भिंडी हैगी है तो ला ही लवान। एक तो बदल इन्ना होया ना, जदों बदल हो जाता वा ना तो मेरी तो जान उदों ही मुक जाती है। मैनू तो यो टेंशन पै जाती है, आए रब्बा मेरी कुड़ी की करूगी, कितने रोटी पानी पकाऊगी, कमरे भी वो इन्ने चुंदे आ। सच्ची मैनू बड़ी टेंशन अपनी धी की लगी रही, की करा मैं। एक वो अंदर वड़ के पता नहीं की करी जान डई, अंदरों ही निकल डई भी बहर आके वेख ला कि कोई चीज चूज ढक्कन वाली वो ढक ला। पता नहीं की कर डई, अंदर वेखा जाके इनू केड़ा काम कर डई आ। की लभी जान रही है बारी चो, बहर वेख कि बदल होया कि बहर का वेख जाके। मम्मी मैं ना अलमारी चो लीड़े जे सैट कर रही है, तो सूट लभन रही जेडे मामा जी होना ने दिते गए, वह मैंने कितने दिखे नहीं बारी दे विचों। और लीड़े फिर लभ ली, फिर सैट कर ली कपड़े, जो कोई चीज बहरों चुकन वाली चुक ला, बदल बड़ा आया ही हो। नहीं बाकी सारा समान तो इतने ही है, वह नहीं दो सूट दिखन डे मैं इतने कि पे होने आ। सूटा का तेन फिक्र पै गया आ। राजविंदर को गए ही मम्मी उदन, कितने उन्हू तो नहीं दे आए, भला पुछ दी हाँ जाके। चुप करके ही चल गए इतों मम्मी। मम्मी मैं सारे पत पत फोल लिया वा, मैनू कितने नहीं वो दो सूट लभे, एक जेड़ा लाइट जहा एक जेड़ा फुलां वाला हैगा। तेनू फुलां वाला केड़ा पसंद ही, जदों मैं तेनू कहा समान उदन तो तू कहिंदी मम्मी परंटी बड़ा वड्डा वा, मैनू नहीं पसंद हैगा, मैं दे आई हां राजविंदर ने। ओ ना मम्मी मैं दीदी को गई हैगी तो उन्होंने पाया हैगा, उन्होंने बड़ा ही सोहना लगन डिया ही, तो मैं मेरे को तो घर ही हैगा, मैं जाके तो सी के पाऊंगी, मैनू कितने नहीं लब्भा। मैं दे आई हां राजविंदर नू, दसन तो नहीं है तेनू। राजविंदर नू तुसीं मैनू पुछे तो बिना ही दे आए, ताइयो मैं आखां एड्डी काली काली पई इन्हां को राजविंदर दी जान दी। तो मैं तेन पुछ के तो फिर देना, मेरे पेक्या दिता सूट, तो मेरी मर्जी, मैं अपनी धी दे आई हाँ, मैं आप नहीं सवाया तो उन्होंने दे आई हाँ। मम्मी इदा तो चंगे नहीं लगी दा, पेक्या ने दिता वा है तो तुम घर के बच्चे ही ना, तो एक बार मैंने पूछना भी नहीं जरूरी समझे, मैं भी अखा एड्डी काली काली मेरे ना मगरों ही चल गए। तो जदों तेन पसंद नहीं ही तो तू हूँ तेन कहती एड्डी सूट की लेल लग गई, हूँ कुड़ी बेचारी ने मैं दे आई हाँ, तो हूँ तेन बस सूट का तू रौला पाता है। वह भी कोई टाइम ही होंगे वा देने दी चीज, जे तुम मेरे तो चोरियां कमाउनियां फिर कहना मिलती नहीं है। मैं उन्होंने कितने रोज कुछ दे रही हाँ, वह भी मेरा ही तो मैं उन्होंने दे आई हाँ, तू उन्होंने कभी कोई चीज़ दी रीझ के नाल कभी तू आख्या आ लै मम्मी आ चीज़ बनाई है तो उन्होंने दे के आईए। आहो अं तो रीझा करते नहीं, सारिया रीझा तू ही कर दे, तू अजे तक वो कभी कोई रीझ नहीं की, मैं ही करती हाँ जड़ियाँ करती हाँ, जिदा तू करेगी ना फिर मैनू पता लगू भी तू करती है, अजे नहीं तू कोई भी करती। नहीं तुम है रीझा करू, तुम तो हर गल से सू पछा ही सुट दे, आप ही गाड़ी गाड़ी हो के तुरे फिर दे, अं फिर उदा दिया रीझा करनी, तुम तो अगले का गेती मन साड़ के रख देंगे हो। जो तुम तो दोवें जी कि ना नहीं लेंगे, ना तो कुछ जाना ना तुम कि कोई चीज देनी, तो मैं भी ना करा, मैं तो करनी ही हाँ, मेरी तो धी है। अं तो भावें जिन्ना मर्जी ओदा करिए ना, तुम नहीं ना करना, तुम सू पछा ही सुट के रखना वा। पछा तो तुम आपे ही पे जे, जो तुम कि बात नहीं पुछनी, मैं भी तो गुआढ़ियों के घर फोन ला के राजी बाजी पुछ ही लैनी है ना, तू कभी आख्या आ भी मम्मी लिया, मैं भी फोन ला के तो उन्होंने राजी बाजी पुछ ला। मेरी एक गल सीधी सीधी सुन लो, मैं आंडियां गुआढ़ियों के घर फोन ला के नहीं पुछना, मैं किन्ना चेर पहला फोन लाओ फिर अगले वो घर जाके गल कराउन जाते, अगला जाए ना जाए अगलिया की सौ मजाज होंगी है, बत्ती बत्ती अगले गल करते फलाने थां गए टिंगड़े थां गए, किहड़ा उन्होंने मिन्नता तरले करता रहे। तो तू मजबूरी तो नहीं ना फिर अगलों की समझती, जो नहीं फोन लैन जोगे तो ही गुआढ़ियों के घर फोन लाई देना, फिर तुम लै दो उन्हू, इन्ने जोगे भी नहीं तुम दोवे जी। अं हूँ उन्होंने की लैके दईए, हर एक चीज अं लै दी अं लै दी, साढ़े वाली ध्यान रहा ता 24 घंटे बस, तो ताे वाल ही रहना वा, वह कमा वा ना कमा हो मैं आखा भी वह कमा नहीं गा, कुछ भी कमा वा तो हम सारा कुछ उन्होंने लटा दिए अं वे जोगे रवे। चेता आ गया।
कमजोरी बहुत ज्यादा भुख वगैरह ठीक लगती है भुख बीजी लगती भुख लगती है पर घट ही लगती है दवाई खड़ी टाइम फिर चलो ठीक है माता जी का बीपी डाउन है ज्यादा अच्छा एक इन्हां दे टेस्ट वगैरह भी करने पैने क्यों कमजोरी ज्यादा की है एचबी वगैरह किदा ठीक है ठीक है ठीक है नाल कोई नहीं ताकत वास्ते इंजेक्शन ला देने हुण कोई नहीं कर लो टाइम हो जाणगे कोई गल नहीं एडी टेंशन कोई आ जा बीपी इत्थे बै जाओ लम्मे आ जाओ लेटो माता जी तुसीं उत्थे पिछे इन्हां नूं जे बाकी जूस वगैरह डेली दिया करो ठीक है नारियल पानी दिया करो पीण नूं ठीक है ठीक है कोई नहीं तुसीं माता कायम करनी आ कैम हो जाएंगे कोई गल ठीक है हाँ जी बेटी एयरपोर्ट माता जी की आ गई है अच्छा है की एयरपोर्ट च दस दूँ एक इन्हों का एचपी घाटा अच्छा दूजे नंबर से सैल भी घाटा इन्हों के अच्छा अच्छा ठीक है हाँ नॉर्मल जी लिवर दी प्रॉब्लम ही हैगी है ठीक है बाकी कोई नहीं आ मेडिसिन दो तुसी हां कोई दवाई दे दो बढ़िया जी दवाई कोई गल नहीं हुण कोई नहीं गा तो नहीं डॉक्टर नागा पेंदा गा तो रेगुलर ही दवांगे मेडिसिन रेगुलर रखो हो जाना ठीक तुसी मेडिसिन जेड़ी छड़ देने आ फिर प्रॉब्लम हुंदी एदा हां जी ए तो दो दो चम्मच तीन टाइम देने जे अच्छा ठीक है आ सवेरे शाम देनी है एक एक ठीक है आ खाली पेट दे देना ठीक है ठीक है इन्हां नूं जूस वगैरह दो ज्यादा पपीते वगैरह दा बाकी इन्हां नूं खुराक इन्हां दी मेंटेन रखो डेली रोटी तीन टाइम देनी देनी है ठीक है हां जी बस कोई गल नहीं हो जाएगी ठीक ठीक है जी डॉक्टर ने खून भी घट आ
ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਕਈ ਡਾਊਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਵਧੀਆ ਵਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਜੋਗਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਜੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਛੇਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾ ਲੈ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆਹੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ